दोस्तों, इस बात का लोहा बड़े बड़े विद्वानों ने माना है कि जंगली कुत्ते सिर्फ कुत्ते ही नहीं होते, बल्कि इनसे कमीना शिकारी जानवर जंगल में दूसरा पैदा नहीं हुआ। और आज अगर आपने इस वीडियो को पूरी देख लिया तो आप इस वीडियो को मानने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि इन कुत्तों से कमीना कोई और जानवर नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप इन कुत्तों को देख के इस बात को समझ सकते हैं कि अकेले किसी काम के नहीं है, और ये बात ये कुत्ते भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए ये हमेशा झुंड में ही बड़े बड़े जानवरों के पसीना निकाल देते हैं। यहाँ तक कि हायना, जो कि एक और जंगल के बहुत कमीने जानवर हैं, वो भी इन कुत्तों से उलझना नहीं सही समझते। और तो और, जंगली कुत्तों के अंदर धीरज बहुत होता है। इसके अलावा ये हमेशा अपने शिकार को प्लानिंग करके मारते हैं। जैसे कि इस ड्रोन फुटेज में जंगली कुत्ते सबसे पहले अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बस उसे थका रहे हैं। और जब ये विल्डर बीस्ट थक कर रुक जाता है तो ये सारे के सारे कुत्ते मिलकर इस बेचारे विल्डर बीस्ट का पिछवाड़ा नोचना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तो प्लानिंग की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कुत्ते ने इस विल्डर बीस्ट के बच्चे को पालक झपकते ही नोच नोच कर मार दिया। और यहाँ इन कुत्तों ने तो इस विल्डर बीस्ट को ऐसा पकड़ा हुआ है कि वो बेचारा हिल तक नहीं पा रहा। अब ऐसा कब तक चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन विल्डर बीस्ट को जिस दर्द का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों, जब इतने बड़े विल्डर बीस्ट इनसे अपनी जान नहीं बचा पा रहे, तो ये खूबसूरत एंटीलोप इनसे अपनी जान कैसे बचा पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो में देख ही रहा होगा कि इस बेचारे एंटीलोप के बच्चे को इन दोनों कुत्तों ने पकड़ा हुआ था, और ये कुत्ते इस बेचारे को मारने से पहले ही उसे चीरना शुरू कर देते हैं। सच में यार, ये कुत्ते इतने ज्यादा दरिंदे हैं कि बेचारे जानवरों को किसी प्लास्टिक बैग की तरह बिना मारे ही फाड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कुडू काफी बड़े शाकाहारी जानवर होते हैं, और जंगली कुत्तों को इन्हें खाने में बहुत मजा आता है। जैसे कि इस कुडू को जंगली कुत्तों ने रास्ते में ही घेर लिया और खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इतने बड़े होने के बाद भी कुडू इतने सीधे जानवर होते हैं कि खुद की ही रक्षा नहीं कर पाते, और कुत्तों को भी पता है कि इतने बड़े जानवर को जमीन पर कैसे गिराना है। और आप देख ही सकते हैं कि एक कुत्ता बस इस कुडू की गर्दन पकड़े हैं और बाकी सब कुडू के पिछवाड़े की छलनी करने में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि इन कुत्तों में यूनिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अब इस वीडियो में भी इन जंगली कुत्तों ने इस कुडू को पलक झपकते ही जमीन में गिरा दिया और जिंदा ही खाना शुरू कर दिया। और यहाँ तो इस बेचारे कुडू को कुत्तों ने पानी के अंदर ही पकड़ लिया और घसीट घसीट कर बाहर लाने लगे। अब दोस्तों, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि अफ्रीकन जंगली भैंसें कितनी खतरनाक होती है। यहाँ की अगर ये एक भैंसे ग्रुप में होती है तो शेर तक इनसे पंगा लेने में डरता है, लेकिन जंगली कुत्ते कभी नहीं सुधर सकते। जैसे कि यहाँ मेरे ख्याल से 30 के ऊपर कुत्ते इस भैंस को जमीन में गिराने में लगे हुए हैं, और मुझे तो लगता है कि कामयाब भी होंगे। लेकिन यहाँ तो इन कुत्तों ने हद ही पार कर दी, क्योंकि इस बेचारी भैंस के सामने ही इस बच्चे को इन कुत्तों ने बड़ी मेहरमी से मार डाला। और भैंस भी बेचारी समझ गई कि इतने सारे कुत्तों से वो अपने बच्चे को कभी नहीं बचा सकती, और कुत्तों ने इस भैंस को उस जगह से भगा भी दिया। दोस्तों, अब इस क्लिप में झाड़ के पीछे इस भैंस को इन कुत्तों ने नोच नोच कर उसकी जान ले ली। और यहाँ तो ये भैंस पहले से ही बीमार थी, क्योंकि आप इसके इतना बड़ा फोड़ा लटका हुआ देख सकते हैं जिससे ये पहले से परेशान थी, और इन कुत्तों ने इसकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। खैर, आप जानते हैं आगे क्या होगा, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी हर वीडियो में कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे इम्पाला, हिरन, ये दोनों जानवर का शिकार हर शिकारी जानवर करता है, लेकिन इन्हें पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब इम्पाला दौड़ने में आते हैं तो फिर ये काफी तेज दौड़ते हैं। लेकिन अगर एक बार ये किसी शिकारी जानवर के हाथ लग गए तो फिर इनका काम लग जाता है। जैसे कि इस इम्पाला को लगता है कि पानी में ये सेफ है, लेकिन कुत्ते तो बहुत बड़े वाले कुत्ते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी भूख लगी होती है कि ये पानी में भी उतरकर शिकार को पकड़ लेते हैं और घसीटकर पानी से बाहर जमीन पर ले आते हैं। और यहाँ भी इस इम्पाला को इन कुत्तों ने कुछ ही देर में पानी से बाहर निकालकर कब अपना शिकार भी बना लिया, इम्पाला को पता भी नहीं चला। इस क्लिप में तो इम्पाला ने टाइम तक नहीं लगाया इसे मारने में, और मारने से पहले ही बेचारे इम्पाला को खाना शुरू कर दिया, और इस इम्पाला ने तो जैसे आत्मसमर्पण ही कर दिया कि आओ मुझे खा लो। दोस्तों, अब इन सांबर को भी जंगली कुत्तों का शिकार होते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ इन कुत्तों ने इस सांबर को जमीन में नहीं घसीटा बल्कि पानी में ही इस बेचारे को नोचने लगे। और जब बेचारा सांबर अधमरा हो गया और लड़ने के लायक नहीं बचा, तब इसे ये कुत्ते पानी से बाहर लाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं।
और यहाँ पर ये बेचारी माँ अपने बच्चे को इन जंगली कुत्तों से बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आपको तो पता है कि ये कुत्ते जब तक इस बच्चे का शिकार नहीं कर लेंगे तब तक ये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन दोस्तों, अब इन जंगली कुत्तों का सामना जंगल में मौजूद हायना से होता है। तब क्या होता, क्योंकि यहाँ तो इस हायना की बहुत ही ज्यादा खराब हालत है, क्योंकि ये बेचारा इन कुत्तों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। और हायना भी वही जानवर है जो दूसरे जानवर के पिछवाड़े पर हमला करके उनका शिकार करते हैं। और आज जब इसका पिछवाड़ा नौचा जा रहा है तो पक्का इसे इस बात का तो एहसास होगा कि कितना ज्यादा दर्द होता है। अब यहाँ ये हायना इन कुत्तों के खाने को चुराने आता है, लेकिन इसे ये बिल्कुल नहीं पता कि ये इन कुत्तों का खाना बन जाएगा। और पता नहीं क्यों हमें भी मजा आ रहा है ये देखने में, क्योंकि हायना भी जानवरों को इतनी बेदर्दी से मारते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मेरे ख्याल से जंगली कुत्ते ही एक ऐसे जानवर है जिनसे हायना तक खौफ खाते हैं, क्योंकि हमने कभी हायना को जंगली कुत्तों का शिकार करते नहीं देखा, लेकिन जंगली कुत्ते अक्सर हायना को मार गिराते हैं। जैसे कि इस हायना की शक्ल देखो, शक्ल देखकर लग रहा है कि इसकी मौत इसके सामने खड़ी है। बेचारे जंगली सुअर जब तक हमारी वीडियो में ना हो, वीडियो कभी कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि ये फास्ट, फुर्तीले और ताकतवर होते हैं और अकेले कोई भी कुत्ता इनसे जीत भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये सुअर शिकारी जानवरों की पहली पसंद से होते हैं। जैसे कि इस सुअर की हालत आप देख सकते हो, जैसे ये कुत्ते पहले खूब थकाते हैं और फिर इसका शिकार करते हैं। हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अचानक ये कुत्ते इस सुअर को छोड़ देते हैं और फिर इसके पास भी नहीं आते। लेकिन यहाँ ये सुअर इतना लकी नहीं था, कुत्तों के झुंड से तो भागने में ये सुअर कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर कीचड़ में फंस जाता है और अब आगे पता है। और यहाँ भी इस सुअर को ये कुत्ते जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन कुत्तों का यही मोटिव होता है कि मारो बाद में खाओ पहले। दोस्तों, जंगल में कोई भी जानवर इन जंगली कुत्तों से सेफ नहीं है, अब वो चाहे हिप्पो ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बड़े जानवर को मार गिराने में इन कुत्तों को दिक्कत तो आती ही है। जैसे कि ऑरिक्स, क्योंकि ऑरिक्स बड़े होने के साथ साथ हमलावर भी होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुत्तों की भी इन ऑरिक्स के पास आने से फट रही है, लेकिन फिर भी कुत्ते सही समय के इंतजार में हैं। और सही समय आते ही कुत्ते इस ऑरिक्स को चीर फाड़ देते हैं। इतना बड़ा शरीर और इतने बड़े सींग न होने के बावजूद भी अगर आप इन जंगली कुत्तों से तेज नहीं भाग सकते तो आपका मरना तय है। अब दोस्तों, अभी तक आपने जंगली कुत्तों की दादागिरी देखी, लेकिन शेर के सामने इनके एक नहीं चलती। और आप देख रहे हैं कैसे एक शेर से सारे के सारे कुत्ते दुम दबाकर भागना ही सही समझते हैं, लेकिन शेर तो शेर होता है और उनमें से एक कुत्ते को आखिरकार दबोच ही लेता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि जंगली कुत्तों के अंदर एकता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब एक गुस्साया हुआ शेर इन कुत्तों के सामने आता है तो कई बार देखा गया है कि इस एकता की जगह कुत्ते अपनी जान बचाकर भागना ही सही समझते हैं, लेकिन शेर को तो बस एक ही कुत्ते को दबोचना रहता है और ये काम शेर बहुत ही आसानी से कर लेता है। दोस्तों, अब कुत्तों से एक कदम आगे बढ़ते हैं और जैगवार का शिकार करने का स्टाइल देखते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप ये जानते ही हैं कि मगरमच्छ कितनी शांति से अपने शिकार को दबोचने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जैगवार जैसे जानवर उन कैटेगरी में आते हैं जो इतने शांत या साइलेंट किलर होते हैं कि मगरमच्छ को भी इनके आने का अनुमान नहीं लग पाता। जैसे कि इस वीडियो में कब जैगवार पीछे से आकर मगरमच्छ की गर्दन पकड़ लेता है, और इस वीडियो में तो जैगवार सीधा पानी में ही छलांग लगाकर किसी मछली की तरह इस मगर को मुंह में दबाता है और बहुत आसानी से पानी से बाहर में निकाल लाता है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि जैगवार ऐसी छलांग इन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए मारते रहते हैं। खैर, जैगवार इन मगरमच्छ को पकड़ते हैं, वो छोटे साइज के होते हैं और उन्हें कैमैन नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी पानी में कूद कर किसी मगरमच्छ को पकड़ना और फिर उस मगरमच्छ को पानी से लेकर बाहर भी आ जाना वाकई में बहुत ही तारीफ की बात है। अब दोस्तों, इन बड़े जानवरों को थोड़ी देर के लिए छोड़कर हम छोटे जीवों की तरफ रुख करते हैं, जैसे कि गोजर या कनखजूरा, जिन्हें आपने हमेशा एक गंदा सा चिपचिपा जीव समझा, वो असल में किसी छोटे सांप को मारने के काबिल होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ये गोजर इस सांप के ऊपर चढ़कर इसे अपने पैर गड़ा देता है, जिससे सांप को काफी दर्द का एहसास हो रहा होता है, लेकिन फिर भी सांप इस कनखजूरे का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और अगले क्लिप में भी गोजर अपने बड़े बड़े पैरों से इस सांप की बॉडी को जख्मी कर रहा है, लेकिन सांप सिर्फ गोल गोल घूमने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता और आखिर में सांप हार मानकर अपना दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।